ए दुख ए दर्द ए सब तेरे अंदर है, ए दुख ए दर्द ये सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर एंड कंटेंट, एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से शानदार टॉपिक के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज डिमांड फॉर ग्रांट्स। डिमांड फॉर ग्रांट्स इतना ज़्यादा अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए इम्पोर्टेंस है कि इसके अंतर्गत जो डिमांड फॉर ग्रांट, जो अनुदान की जो मांग है, उसे किस किस ग्रुप में बांटा गया और किस ग्रुप के अकॉर्डिंग कौन से डिमांड को रखा गया, इन सारे बातों का हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज डिमांड फॉर ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट्स है क्या। तो इस पर एक ओवरव्यू लिया जाए तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि डिमांड फॉर ग्रांट्स एज अ फॉर्म इन विच एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर मेड टू द लोकसभा एंड इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डियर फ्रेंड्स, कहने का सेंस ये हुआ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 113 के अनुसार जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है वोटेड के लिए, मतदान के लिए, एंड उसमें जो एनुअल जो फाइनेंशियल एडजस्टमेंट होते हैं उनमें भी इंक्लूड किया जाता है। और जो कंसोलिडेटेड फंड है हमारा इंडिया का, उसका जो व्यय का जो अनुमान है, उन सारी बातों का जो लेखा जोखा होता है वो डिमांड फॉर ग्रांट्स के अंतर्गत होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिना टाइम किल किल किए हुए हम लोग वीडियो में आगे चलते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, यहाँ से यहाँ तक आप जो देख सकते हैं वो कितने जो सीरियल नंबर है और ये ग्रुप में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं नंबर, दैट इज डिमांड नंबर, और यहाँ पर जो देख रहे हैं कि नेम ऑफ डिमांड है कि इसमें क्या क्या इसका मतलब विवरण दिया गया, क्या इसका एक्सप्लानेशन है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सीरियल नंबर 1, जो कि 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। यदि एक ओवरव्यू ले शुरू से लेकर लास्ट तक, तो देखिए इसके 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 1 बाय 1 सारे पार्ट्स को हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे जो फर्स्ट पार्ट है वो है ग्रुप फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड सर्विसेज कॉमन टू ऑल रेलवेज, यानी ए ग्रुप फर्स्ट की बात करें तो इसमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी जितने भी रेलवे के अंतर्गत पॉलिसी का फॉर्मुलेशन किया जाता है, एंड सर्विसेज कॉमन टू ऑल रेलवेज, और जितने भी रेलवेज उन सभी रेलवेज के लिए जो कॉमन सेवाएं की जो बात होती है वो सारा को ग्रुप ए में रखा गया है, और जिसे कि डिमांड नंबर 1 के अंतर्गत रखा गया है। और डिमांड नंबर 1 के अंतर्गत जो एक्सप्लानेशन है कि इसमें किन बातों का चर्चा किया गया है डिमांड नंबर 1 में, तो दैट इज रेलवे बोर्ड, वो रेलवे बोर्ड का मेंशन किया गया है। उसी प्रकार से यदि डिमांड नंबर 2 की बात करें तो डिमांड नंबर 2 में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जो कि जनरल यानी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर की जितने भी लेखा जोखा है वो डिमांड नंबर 2 में आपको मिल जाता है, और ये सारा ग्रुप ए यानी पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड सर्विसेज कॉमन टू ऑल रेलवेज के अंतर्गत रखा गया। तो डियर फ्रेंड्स, यदि हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ग्रुप ए जो कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड सर्विसेज कॉमन टू ऑल रेलवेज है, उसके अंतर्गत 2 डिमांड आते हैं, डिमांड नंबर 1 एंड डिमांड नंबर 2। डिमांड नंबर 1 जो कि रेलवे बोर्ड से संबंधित है, एंड डिमांड नंबर 2 जो कि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। ओके, एंड ग्रुप 2 की बात करते हैं तो ग्रुप 2 में है आपका जनरल सुपरिटेंडेंस एंड सर्विसेज ऑन रेलवेज, यानी जो सामान अधीक्षण है और जो सेवाएं हैं रेलवेज के अंतर्गत वो उसे ग्रुप 2 में रखा गया है, एंड जिसके अंतर्गत डिमांड नंबर 3 आता है। तो डिमांड नंबर 3 ग्रुप 2 में आता है, जनरल सुपरिटेंडेंस एंड सर्विसेज ऑन रेलवेज, यानी रेलवेज के अंतर्गत जितनी जो सामान जो अधीक्षण और सेवाएं हैं वो डिमांड नंबर 3 के अंतर्गत आते हैं। और इसमें एक्सप्लानेशन यदि इसका देखा जाए तो सेम चीज़ है, जनरल सुपरिटेंडेंस एंड सर्विसेज ऑन रेलवेज, यानी पूरी रेलवे के अंतर्गत जितने भी जनरल सुपरिटेंडेंस की जो बात होती है, सामान अधीक्षण की जो बात होती है एंड सेवाएं सर्विसेज की जो बात होती है वो डिमांड नंबर 3 के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रुप यदि 3 की ओर बढ़ते हैं तो ग्रुप 3 के अंतर्गत है आपका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस,
यानी जितने भी तरह के रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का वर्क होता वो ग्रुप थ्री के अंतर्गत रखा गया। और यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हैं कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में फोर डिमांड्स को एक साथ रखा गया, यानी डिमांड नंबर फोर, डिमांड नंबर फाइव, डिमांड नंबर सिक्स एंड सेवन। ये जो चारों डिमांड है 4, 5, 6, 7 वे बेसिकली रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड है। तो इसमें किन किन चीज़ों का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस किया जाता है, तो यदि डिमांड नंबर फोर की बात करें तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ परमानेंट वे एंड वर्क्स, यानी जिसको PWI के नाम से आप लोग रेलवे में सुनते होंगे, जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, PWI जो होते हैं, परमानेंट वे एंड वर्क्स। तो इन सारे से रिलेटेड जो वर्क होता है उनके रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस यानी जो किया जाता है वो डिमांड नंबर फोर के अंतर्गत किया जाता है। एंड डिमांड नंबर फाइव की बात करें तो इसमें जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है वो होता है मोटिव पावर की, मोटिव पावर यानी यू कैन से इंजन। तो मोटिव पावर का जो मेंटेनेंस एंड रिपेयर का जो वर्क होता है वो डिमांड नंबर फाइव के अंतर्गत आता है, जो कि ग्रुप थ्री के अंतर्गत रखा गया है, यानी अंडर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। उसी प्रकार से यदि हम डिमांड नंबर सिक्स की बात करें तो डिमांड नंबर सिक्स में आपका आ जाता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैरेज एंड वैगन्स, यानी जितने भी कैरेज है, वैगन्स है रेलवे का, तो इन सारे का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का जो काम होता है वो डिमांड नंबर सिक्स के अंतर्गत किया जाता है, यानी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ कैरेज एंड वैगन्स। ओके, एंड डिमांड नंबर सेवन की बात करें तो इसमें जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का काम होता है वो होता है प्लांट एंड इक्विपमेंट का, जितने सारे यंत्र हैं, है ना, प्लांट इक्विपमेंट है, इन सारे का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिमांड नंबर सेवन के अंतर्गत किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं कि चार जो डिमांड है, फोर डिमांड्स आर एज अंडर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, जो कि ग्रुप थ्री के अंतर्गत आता है। ओके, आई होप आप समझ में आ रहा होगा आपको मैटर। यदि आपको किसी चीज़ का क्वेश्चंस राइज करना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आया या इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन क्या होगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप फोर, यानी ग्रुप फोर जो कि ऑपरेशन से संबंधित है, यानी रेलवे का जो ऑपरेशन किया जाता है, यानी उसका जो ऑपरेट जो परिचालन किया जाता है, तो वो बेसिकली ग्रुप फोर में रखा गया। एंड ग्रुप फोर जो कि ऑपरेशन से रिलेटेड है इसके अंतर्गत तीन डिमांड आते हैं, डिमांड नंबर एट, डिमांड नंबर नाइन एंड डिमांड नंबर टेन। तो यदि डिमांड नंबर एट की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज यानी रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एक टर्म आया रोलिंग स्टॉक। ये रोलिंग स्टॉक क्या होता है, तो रोलिंग स्टॉक आप कह सकते हैं कि जो रेल पथ जो है उस पर, रेल पथ पर चलने वाले यानी सारे जो भी रेल पथ पर चल रहा है, जैसे कि इंजन हो गया, जैसे वैगन हो गया, जैसे कि कैरेज एंड वैगन्स, मोटिव पावर, ये सारे रोलिंग स्टॉक के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो उसके अंतर्गत जो भी एक्सपेंसेज आता है यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट, वो सारा डिमांड नंबर एट के अंतर्गत आता है। ओके, उसी प्रकार से डिमांड नंबर नाइन की यदि बात करें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक यानी यातायात से संबंधित, यानी ट्रेन फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन जो रन करती है, जो उसको ऑपरेटिंग किया जाता है, जो संचालन किया जाता है, तो उसके अंतर्गत जितने सारे एक्सपेंसेज आते हैं वो आपका डिमांड नंबर नाइन के अंतर्गत आता है। एंड डिमांड नंबर टेन की यदि बात करें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ऑन फ्यूल, रेल परिचालन में जो भी फ्यूल पर एक्सपेंसेज आता है उसे आप डिमांड नंबर टेन के अंतर्गत रख सकते हैं। ओके, और अब जो, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ग्रुप फोर, जैसा कि हम एट फर्स्ट बोले कि जो छह ग्रुप में जितने भी डिमांड फॉर ग्रांट है उसको डिवाइड किया गया और उसके अकॉर्डिंग ही क्लासिफिकेशन किया गया और उसके अकॉर्डिंग उस प्रत्येक को क्लासिफाई करके उसका एक्सप्लेनेशन किया गया कि डिमांड नंबर एट है, नाइन है, फोर है, सिक्स है, सेवन है, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से मैटर आ रहे हैं। तो उसी प्रकार से डिमांड ए ग्रुप नंबर यदि फाइव की बात करें तो इसमें स्टाफ वेलफेयर, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड मिसलेनियस, यानी जितने भी तरह के, इसमें भी तीन डिमांड्स आते हैं, डिमांड नंबर 11, डिमांड नंबर 12 एंड डिमांड नंबर 13। तो ये बेसिकली स्टाफ वेलफेयर से, रिटायरमेंट बेनिफिट से एंड मिसलेनियस यानी विविध प्रकार से ये जुड़े हुए हैं। जैसे यदि हम 11 की बात करें, डिमांड नंबर 11, तो स्टाफ वेलफेयर एंड इम्यूनिटीज, यानी स्टाफ वेलफेयर और उनको मिलने वाली, प्राप्त होने वाली जितने भी इम्यूनिटीज हैं, सुख सुविधाएँ हैं, वो सभी डिमांड नंबर 11 के अंतर्गत रखे गए हैं। ओके, और उसी प्रकार से यदि डिमांड नंबर 12 की बात करें
तो मिसलेनियस वर्किंग एक्सपेंसेस, जिसमें बहुत सारे विविध प्रकार के वर्किंग एक्सपेंसेस खर्च है, जिसमें आरपीएफ का सैलरी वगैरह भी इंक्लूडेड है, वो सब डिमांड नंबर 12 के अंतर्गत आता है। ओके, एंड डिमांड नंबर 13 की बात करें तो प्रोविडेंट फंड, जिसे पीएफ के रूप में भी जानते हैं, पेंशन हो गया एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी जितने भी आफ्टर रिटायरमेंट यानी पीएफ, पेंशन, इन सारी बातों का लेखा जो को आपको डिमांड नंबर 13 में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं जो कि लास्ट है और इम्पोर्टेंट है, रेलवे फंड्स एंड पेमेंट टू जनरल रेवेन्यू, यानी रेलवे की जो निधि है, फंड्स है और पेमेंट जो रेलवे जो जनरल रेवेन्यू को पेमेंट किया जाता है, तो उसे ग्रुप नंबर ग्रुप सिक्स में रखा गया है एंड ग्रुप सिक्स में दो डिमांड को रखा गया, डिमांड नंबर 14 एंड डिमांड नंबर 15। देखिए एक्चुअली में डिमांड नंबर 16 को इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डिमांड नंबर 16 जो है वो बेसिकली कैपिटल कैपिटल से संबंधित है, जिसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेज है और वहाँ पर कैपिटल एक्सपेंसेज है, तो डिमांड नंबर 16 को कैपिटल एक्सपेंसेज के अंतर्गत रखा गया, इसलिए यहाँ पर 14 और 15 जो कि ग्रुप सिक्स के अंतर्गत यानी रेलवे फंड्स एंड पेमेंट टू जनरल रेवेन्यू को रखा गया। और इसमें यदि डिमांड नंबर 14 की बात करें तो एप्रोप्रिएशन टू फंड्स, यानी धन का जो विनियोग है, जो फंड्स का जो एप्रोप्रिएशन किया गया है, वो डिमांड नंबर 14 के अंतर्गत है। एंड डिमांड नंबर 15 यानी डिविडेंड टू जनरल रेवेन्यू, यानी डिविडेंड टू जनरल यानी समान जो राजस्व है उसका जो लाभांश है, और रीपेमेंट ऑफ लोन्स टेकन फ्रॉम जनरल रेवेन्यू एंड एमोर्टाइजेशन, एमोर्टाइजेशन मीन्स ऋण मुक्ति, यानी ऋण से जो मुक्ति होती है उससे, यानी जो भी रीपेमेंट की बात है, लेखा जोखा है, लोन्स टेकन फ्रॉम जनरल रेवेन्यू एंड एमोर्टाइजेशन ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, यानी पूंजीकरण से अधिक हो या फिर ऋण ऋण मुक्ति की बात हो या फिर लोन जो लोन का जो रीपेमेंट करने की बात हो, इन सारी बातों का मेंशन डिमांड नंबर 15 के अंतर्गत रखा गया है। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोग देखें कि डिमांड नंबर 1 to 15, चूँकि 1 to 15 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, आप ऊपर में हेडिंग भी देखें कि क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिमांड नंबर 16 जो कि हमने पहले भी बताया कि डिमांड नंबर 16 जो है वो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, इसलिए इसमें शामिल नहीं किया गया। और इसमें बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इसमें जो ग्रांट फॉर डिमांड्स है, इन सारे बातों को इस प्रकार से डिवाइड करके आपको वन बाय वन हम लोग आज डिस्कस किए। आई होप डियर फ्रेंड्स आज आपका वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा हो, यदि आपके नज़र में इम्प्रेसिव हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो डियर फ्रेंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू डोंट। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर अपेंडिक्स 3A, अपेंडिक्स 2A और 4A या LDC 30% 70% से हर अपडेट आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स ऐसे ही एक और शानदार वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।